पीएम मोदी लाए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब डॉलर को पीछे छोड़ेगा रुपया। पीएम मोदी एक बार फिर से आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 साल में पहली बार रुपया डॉलर को कड़ी टक्कर दे रहा है। पढ़िए, न्यू दिल्ली, अप्रैल 12। पीएम मोदी अपनी नीतियों और अपनी पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आलम यह है कि आज वो बड़े लोकप्रिय नेता बन गए हैं। भारत में नोटबंदी जैसा फैसला लेकर तो मोदी ने इतिहास ही रच दिया था। 8 नवंबर 2016 को मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जब वो देशवासियों के सामने आए थे और कह दिया था कि 8 नवंबर की रात 12 बजे के बाद से देश भर में 500 और 1000 के पुराने नोट बैन कर दिए जाएंगे। इसके बाद से देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। अब लग रहा है कि मोदी के इस कदम का असर दिखने वाला है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में रुपया डॉलर को कड़ी टक्कर दे सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपया डॉलर के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक वजहों से 6 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग में आगे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले वक्त में रुपया डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि 1 महीने से भी कम वक्त में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 63 के स्तर पर पहुँच सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे साल रुपए और डॉलर के बीच रस्साकशी देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि रुपए में अभी और भी मजबूती देखने को मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले वक्त में रुपया डॉलर के मुकाबले 60 रुपए के लेवल को छू सकता है। बताया गया है कि मजबूत विदेशी निवेश से रुपया मजबूत होगा। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक माहौल में शानदार बदलाव होने की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। खास तौर पर नवंबर के बाद ट्रेडर सेंटिमेंट में ये जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद से कई लोगों ने कहा था कि अब डॉलर के मुकाबले रुपया और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की बात पर अब करारा प्रहार हुआ है। दरअसल उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी हुई थी और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना था कि रुपया कमजोर हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2018 की तीसरी तिमाही में रेटिंग अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसके अलावा अभी तो GST लागू होना है और कहा जा रहा है कि इससे भी रुपया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और ज्यादा मजबूत होगा। GST लागू होने और बैड लोन का मसला सुलझने के बाद अर्थव्यवस्था का माहौल और ज्यादा सुधरेगा। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ने से रुपये में मजबूती मिलने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रुपये 7 फरवरी 2017 के बाद से डॉलर के मुकाबले 4.30% मजबूत हुआ है। इससे एक दिन बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे। RBI ने अपने रुख को अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल किया था। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए सिर्फ 0.5% कमजोर रहा था और 64.56 पर बंद हुआ। अब देखना है कि आगे आने वाले वक्त में पीएम मोदी रुपए का संभालने के लिए और क्या काम करते हैं।